एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़ी खरी बात कही थी। शिक्षाविद, बैरिस्टर, भारतीय राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन साल 1901 में कलकत्ता में हुआ था। वो भारत के पहले इंडस्ट्री एंड सप्लाई मंत्री बने थे। 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उनका चुनाव निशान दीपक था। मुखर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1953 में गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में घुसने की कोशिशों की वजह से 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। 23 जून 1953 को पुलिस कस्टडी में ही इनकी मौत हो गई। पर उनके बनाए जनसंघ, जो कि बाद में जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी का सफर अब तक जारी है। जिस कश्मीर को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर थे, आज परिसीमन आयोग कश्मीर पहुंची है। आज बीजेपी देश की सत्ता में है, जिसकी नींव अप्रत्यक्ष रूप से देखे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही रखी थी। जल्द ही मोदी कैबिनेट अपना विस्तार करने वाली है। कुछ नए चेहरे शामिल होंगे, कुछ चेहरे हटाए जाएंगे। कौन से वो चेहरे होंगे जो इस नए मंत्रिमंडल में जगह बनाएंगे, बताएंगे आपको सीधी और सरल भाषा में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली वर्ष शो। आपको दिखाते हैं आज शो में क्या कुछ है खास। सबसे पहले आपको बताएंगे परिसीमन आयोग की बैठक में क्यों शामिल नहीं हो रही है पीडीपी। साथ ही ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। और आखिर बिहार में क्यों बार बार आती है बाढ़। साथ ही कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज, इन्हें मिलेगी नए मंत्रिमंडल में जगह। वहीं आपको दिखाएंगे सिंगापुर के पीएम का वो वीडियो जिसे देखकर सिख समाज खुश हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में परिसीमन आयोग की टीम आज श्रीनगर दौरे पर पहुंची। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के पार्टियों के साथ बैठक करेगा। वहीं आज पीडीपी ने आयोग से मुलाकात न करने का ऐलान किया। पीडीपी ने परिसीमन आयोग की सारी प्रक्रिया को एक विशेष पार्टी के पक्ष में पूर्व नियोजित बताया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजरा ने परिसीमन आयोग प्रमुख पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को लिखे पत्र में 5 अगस्त 2019 का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और 35(a) को निरस्त कर केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के वैध संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को लूटा था। परिसीमन आयोग से दूरी बनाए बैठी पीडीपी ने कहा कि आयोग का फैसला पहले से ही तय है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक उथल पुथल देखी जा रही है। केंद्र सरकार ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की थी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना चाहती है, जिसके बाद वहां परिसीमन करने के लिए आयोग श्रीनगर पहुंची है। पीडीपी आयोग के श्रीनगर आने पर विरोध कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, या फिर वो नहीं चाहती कि कश्मीर में अमन चैन की वापसी हो। अगर कश्मीर में चुनाव होते हैं तो किसी न किसी की सरकार जरूर बनेगी, साथ ही सरकार में वो ही शामिल होगा जिसे जनता चुनेगी। ऐसे में महबूबा मुफ्ती का परिसीमन आयोग के आने का विरोध करना समझ से परे है। वहीं आज एक खबर दिल्ली हाईकोर्ट से भी आई। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि उसने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। आईटी रूल्स लागू होने के बाद अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों को नहीं मान रहा, तो इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि हाँ, वो नियमों का पालन नहीं कर रहा। वहीं ट्विटर की ओर से पेश वकील सज्जन पोवैया ने भी माना कि हमने आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई। हाईकोर्ट की फटकार और केंद्र सरकार के रुख के बाद ट्विटर ने अपना जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। अब मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी अपनी बात दोहराते हैं कि अगर किसी संस्था को भारत में काम करना है तो उसे भारत के नियम और कायदे मानने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार में जारी बाढ़ की तबाही की। बिहार इस वक्त बाढ़ की जद में समाया दिख रहा है। ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल बिहार में बाढ़ का यही आलम है। सरकारी वादे और बजट के आवंटन होने के बाद भी हालात जस के तस है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखनदेई, अवधारा, फाल्गु, ये वो नदियां हैं जो बिहार में जितनी खुशहाली नहीं लाती उससे ज्यादा तबाही की वजह हर साल बन जाती हैं। देश में लोगों को मॉनसून का इंतजार बेसब्री से रहता है, लेकिन बिहार में हालात इसके बिल्कुल उलट है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत दुनिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से है। दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं उसका 1/5 भारत में होता है। पूरे देश में बाढ़ के एक जैसे हालात हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 1952 से 2018 के 65 सालों में देश में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
8 करोड़ से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 4.69 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। बिहार की बात करें तो बिहार के करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। खासकर उत्तरी बिहार में रहने वाले इलाके बाढ़ के खतरे के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं और इसकी वजह है नेपाल से आने वाली नदियां। राज्य के 38 में से 28 जिले हर साल बाढ़ की मार को झेलते हैं। इस साल अभी मानसून पूरी तरीके से आया भी नहीं है और बिहार की सभी नदियां फिर से उफान पर हैं। कहीं तटबंध से ऊपर बहकर पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, तो कहीं सड़क, तो कहीं रेल ट्रैक, मकान सब पानी में डूबे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि पिछले साल बिहार के 16 जिलों में बाढ़ के हालात बने, 1333 गांव पानी में डूबे और 85 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए। कई लोगों की जान चली गई तो हजारों मकान इस बाढ़ में तबाह हो गए। हजारों एकड़ खेत में खड़ी धान और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, सरकार राहत शिविर लगाती है, खाने पीने का सामान भी बांटा जाता है। बिहार सरकार के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल 1 लाख प्रभावितों के खाते में 6-6 लाख की मुआवजा राशि भेजी गई। लेकिन बिहार का एक सच ये भी है कि तटबंधों की मरम्मत के बाद भी वो टूट जाते हैं, नदियां सब कुछ बहा ले जाती हैं। एक स्टडी में कहा गया है कि तटबंध बांध के अस्थायी समाधान ही है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि नेपाल से सटे होने की वजह से यहाँ की भौगोलिक स्थिति में बाढ़ को टाला नहीं जा सकता, लेकिन वहीं दूसरी ओर बेहतर प्रबंधन से लोगों को हो रहे नुकसान में कमी जरूर लाई जा सकती है। छोटे छोटे नहर बनाकर कम प्रभाव वाले इलाकों में पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े जलाशयों का निर्माण कर पानी को संरक्षित किया जा सकता है। जरूरत है कि बिहार में बाढ़ को कम करने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। बीते दिन ही RJD ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। चिराग पासवान ने भी आशीर्वाद यात्रा निकाली। इन नेताओं को चाहिए कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएं और लोगों का हाल जानें, साथ ही उन्हें उचित मदद मुहैया करवाएं। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज हो गई है। MP से लेकर महाराष्ट्र, UP, बिहार, हर जगह सियासी हलचल दिख रही है। मंत्रियों की लिस्ट के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। आज सुबह खबर आई कि PM मोदी ने गुरुवार तक सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद मीडिया में खबरें चलने लगी कि 2 दिन के भीतर ही मोदी कैबिनेट का खाका तैयार हो जाएगा, या यूं कहें कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। बीते सोमवार को PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और BJP के संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ बैठक की। रिपोर्ट्स के अनुसार कई घंटों तक चली इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार को अंतिम रूप दिया गया। आपको मौजूदा मंत्रिपरिषद का गुड़ागड़ित भी समझा देते हैं। फिलहाल मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है। कई नामों की चर्चा खूब है, खास तौर से उन 5 राज्यों के नेताओं की जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के BJP सांसद नारायण राणे, असम के पूर्व CM सर्वानंद सोनोवाल समेत कई अन्य नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार तय है तो आइए आपको बताते हैं वो नाम जिन्हें मोदी कैबिनेट में जाने का मौका मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल और वरुण गांधी, ये 3 नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही चर्चा में आ गए थे। सिंधिया ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने और बाद में उपचुनाव जिताने में भूमिका निभाई, उसका फल उन्हें केंद्रीय मंत्री की कुर्सी के रूप में मिल सकता है। सिंधिया भी फिलहाल दिल्ली में आ गए हैं। सर्वानंद सोनोवाल ने हेमंत बिस्व सरमा के लिए असम के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। इसी के बाद अटकलें तेज होने लगी कि उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। असम में पार्टी के भीतर किसी तरीके की खींचतान न शुरू हो, इसके लिए भी सोनोवाल को केंद्र में जगह देने की पूरी तैयारी है। वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच सकते हैं। साथ ही अपने आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर वरुण गांधी को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। बीते कुछ समय से वरुण गांधी का नाम राजनीति में यूं गायब हो रहा था। वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी के कोटे से वरुण को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब जब मंत्रिमंडल की बात हो ही रही है तो बिहार का नाम तो आएगा ही। पिछले साल लोक जनशक्ति पार्टी, या यूं कहें कि LJP के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया था। फिलहाल LJP 2 गुटों में बटी हुई है। एक धड़ा रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के साथ है और दूसरा बेटे चिराग पासवान के। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। वहीं बिहार से एक और नेता का नाम चल रहा है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। उन्हें बिहार में सत्ता से बाहर कर दिया गया था, अब केंद्र में जगह बन सकती है। JDU कोटे से भी 1-2 मंत्री बन सकते हैं। हालांकि नीतीश बाबू चाहते हैं कि 1 काबीना मंत्री और 2 राज्य मंत्री उनकी पार्टी से हो। अब बताते हैं आपको राजस्थान के बारे में कि कौन से मंत्रियों को वहां जगह मिल सकती है। राजस्थान में जन्मे मगर बिहार में अपना जलवा दिखाने वाले भूपेंद्र यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार में BJP की सफलता के पीछे यादव को अहम कारण माना जाता है।
संगठन के काम में माहिर यादव को बतौर मंत्री भी परखा जा सकता है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी की भी जगह मोदी कैबिनेट में तय मानी जा रही है। ओडिशा से बैजयंत पांडा को भी केंद्र भेजा जा सकता है, वो पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवक्ता की दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीजेडी से निकाले जाने के बाद 2019 में पांडा भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर महाराष्ट्र में भी हलचल है। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी और बीड से सांसद प्रीतम मुंडे को मंत्री बनाया जा सकता है। पेशे से डॉक्टर प्रीतम मुंडे ने 2014 में करीब 7 लाख वोटों के अंतर से लोकसभा चुनाव जीता था। उनके अलावा महाराष्ट्र से एक और नाम केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है और वो है नारायण राणे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे राणे ने 2017 में शिवसेना छोड़ अलग मोर्चा खोल लिया था। हालांकि 2019 में वो और उनकी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां से मीनाक्षी लेखी को मंत्री बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली लेखी नई दिल्ली के हाई प्रोफाइल सीट से लगातार 2 बार जीत चुकी हैं। अब बात यूपी की करते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य से 3-4 नेता मंत्री बन सकते हैं। दावेदारी अपना दल की अनुप्रिया पटेल की भी है, जो कि पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रही हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी केंद्र में भेजा जा सकता है। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के आने वाले सिंह मूलतः संघ से जुड़े रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन पर मध्य प्रदेश का जिम्मा था, जहां पार्टी ने 29 में से 28 सीटें जीती। इसके साथ ही गोरखपुर से सटे महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का नाम भी चर्चा में है। इन सबके अलावा प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय, राज्यसभा सांसद अनिल जैन, चुरू से राजस्थान के सबसे युवा सांसद राहुल कस्वा, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर और संसद में अपने भाषण से मशहूर हुए लद्दाख के सांसद जामिया शामिल हैं। मोदी सरकार में इस बार 20 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले आज 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई का तबादला कर उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में थावर चंद गहलोत को नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का तबादला कर उन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति को नियुक्त किया गया है। मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले राज्यपाल बदले जाने से हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि कैबिनेट में कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर मंत्री बनने की चाह हर किसी को होती है। नाराज लोगों को मनाने का काम भी मंत्री बनाकर किया जाता है, लेकिन जरूरत है कि जो भी मंत्री बने वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से करे। अब सिंगापुर से आई एक खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री इन दिनों चर्चा में बने हैं। दरअसल हाल ही में वो सिंगापुर में सिलाट रोड सिख मंदिर के उद्घाटन के दौरान सिख पोशाक पहने हुए नजर आए। उन्होंने सिर पर पगड़ी भी पहनी हुई है। पहले आप वो वीडियो देखिए। अलजीत सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल सिख गुरुद्वारा बोर्ड, मिस्टर मलविंदरजीत सिंह, चेयरमैन ऑफ द सिख एडवाइजरी बोर्ड, मिस्टर इंद्रजीत सिंह, चेयरमैन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ सिख इंस्टीट्यूशंस, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। I am delighted to join all of you, both here in this hall and online, for the inauguration of the newly renovated Silat Road Sikh Temple. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री मंच के ऊपर खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं। उन्होंने सफेद रंग की पगड़ी पहनी हुई है और काले रंग का मास्क भी लगाया हुआ है। सिंगापुर में पीएम की इस वेशभूषा से सिख समाज खुश दिखाई दे रहा है। अब हम शो के आखिर में आ गए हैं। कल हमने आपसे एक सवाल किया था। हमने पूछा था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन है, तो आपको बता दें कि ये पुरस्कार सबसे पहले शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। वहीं हमारा सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभरात्रि।